लेट मी स्टार्ट टुडे क्लास। चैप्टर टू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने एक चीज देखी थी, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और हिंदी नंबर्स। ठीक है, आई होप कि सभी को वो हिंदी नंबर्स लर्न हो गए होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं सबसे पूछूंगी भी सही, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। ओके, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। एड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फोर डिजिट आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और फोर भी डिजिट आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो फोर डिजिट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1000। ओके, एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर मतलब कि बड़े से बड़ा हमें फोर डिजिट का नंबर लिखना है। तो 9999999, ये आपका क्या हो गया, आप समय डिजिट को काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 9999, एंड स्मॉलेस्ट नंबर 1000। ओके, सो लेट मी ऐड सम ऑफ फोर डिजिट नंबर। हम इन फोर डिजिट नंबर का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1000 या 9000 आप लिख सकते हैं, 9999, देन ऐड 1000। ओके, 9 plus 0 9 9 plus 0 9 9 plus 0 9 9 plus 1 10। ओके, एंड वी पुट द कॉमा आफ्टर थ्री डिजिट। ओके, 10999। ओके, सो अभी इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि फोर डिजिट हम स्मॉलेस्ट नंबर हम लिख रहे हैं 1000, फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9999, एंड सम ऑफ फोर डिजिट नंबर मतलब कि इन दोनों का आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10999, इज दैट क्लियर। सो लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम। ओके, 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम। ओके, एंड नेक्स्ट 1094 ऑफ देम पास, 1094 स्टूडेंट्स ऑफ देम पास। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 264 स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन में बैठे थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 264 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन में बैठे थे, जिसमें से 194 स्टूडेंट्स ही पास हुए। तो जो फेल स्टूडेंट्स हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, उनके हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है क्या करेंगे इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और पास्ट स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 264, ठीक है, 264
स्टूडेंट्स कितने हो गए 264, ओके, एंड पास्ट स्टूडेंट्स, पास्ट स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट 194 स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठे थे 264, उसमें से पास कितने हुए 194, ओके, देन फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट, ओके, तो फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, 264 माइनस 194, ओके, तो माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 9 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, देन वी विल बोरो नियर नंबर, ओके, तो 2 से हम बोरो करेंगे, 2 रिप्लेस बाय 1 एंड 3 रिप्लेस बाय 13, 16, ओके, तो 16 माइनस 9 7 एंड 1 माइनस 1 0, तो आपको ये हिंदी नंबर आई थिंक समझ में आ रहे होंगे कि 4 माइनस 4 तो 0, ठीक है, 13 माइनस 9 16 माइनस 9 7, 1 माइनस 1 0, ओके, तो फेल्ड स्टूडेंट कितना हो गए 70 स्टूडेंट, ओके, तो वापस से देख लीजिए एक बार, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 264, पास्ट स्टूडेंट 194, तो हमें फेल्ड स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 264 माइनस 194 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 9 7, 1 माइनस 1 0, तो फेल्ड स्टूडेंट्स कितने आ गए 70 स्टूडेंट, इज दैट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 9732, एडिशन ऑफ टू स्टूडेंट टू नंबर इज 9732, ओके, इफ वन नंबर इज 3846, if one number is 3846 then find out the second number, same question hai humne abhi kiya tha question number 7 mein, same isi tarike se kiya hua hai ki sum of two numbers hamare ko diye gaye the, kitne diye gaye the, sum of two numbers hame diye gaye the, to hame kya karna tha ki ek number hame diya hua hai to second number find out karna hai, same isi question mein hoga ki addition of two numbers hame diye gaye hain, ठीक है, और उसमें से वन नंबर हमें दिया हुआ है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना, तो वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जो टोटल नंबर दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, उसमें से हम फर्स्ट नंबर को माइनस कराएंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा, नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन, ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर है, आप एडिशन ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं और सम ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 9732, ओके, 9732 टू नंबर्स का सम है, फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज, इसमें से पहला नंबर जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है 3843, ओके, 46, 3846, ठीक है, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, सेकेंड
नंबर इज ओके क्या करेंगे 9732 में से 3846 को माइनस कराएंगे, ठीक है 9732 ओके 3846 ओके देन वी माइनस ओके 2 माइनस 6 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देन नियर द देन बोरो नियर द नंबर तो 3 कैन बोरो ठीक है तो 3 रिप्लेस बाय 2 एंड 2 रिप्लेस बाय 12 माइनस 6 ओके 2 माइनस 4 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देन अगेन वी कैन बोरो 7 रिप्लेस बाय 6 ओके एंड 2 रिप्लेस बाय 12 तो 12 माइनस 4 8 ओके 6 माइनस 8 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देन अगेन बोरो 6 रिप्लेस बाय 16 एंड 9 रिप्लेस बाय 8 ओके सो 16 माइनस 8 ओके 8 माइनस 3 5 ओके 5 8 8 6 ठीक है हमें सेकंड नंबर क्या मिला है 5 8 8 6 5886 अगर हमें इसे रिचेक कराना है तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था आपको क्या मेथड था कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम प्लस करवा देंगे तो इससे हम टोटल यदि सम ऑफ टू नंबर यदि अभी हमारा आंसर आ जाता है इट मीन्स हमारा आंसर सही है देखिए आप इसको प्लस करके देखोगे 3846 ओके नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर क्या मिला है 5886 इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे ठीक है 6 प्लस 6 12 2 कैरी ऑफ 1 ओके 4 प्लस 1 5 5 प्लस 8 13 3 carry of 1 8 plus 8 16 plus 1 17 carry of 1 6 3 plus 5 8 plus 1 9 तो आप देखोगे सेम ही नंबर आ रहा है 5732 एंड यहां पे भी क्या आ रहा है 3 आएगा यहां पे 5732 ठीक है तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर स्विंग थ्री कर्टेन्स वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या कह रहा है ये थ्री कर्टेन्स को सिलने के लिए हमें 124 मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी एंड फॉर फाइव टेंट्स वी नीड 286 क्लॉथ मीटर ऑफ क्लॉथ और फाइव टेंट्स बनाने के लिए सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है 286 हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन एंड टेंट बोथ तो कितने कपड़े की हमें जरूरत पड़ी इन दोनों को सिलने के लिए ठीक है तो इसमें क्या कह रहा है अलग अलग मीटर की क्लॉथ हमें दिए हुए हैं कर्टेन के लिए अलग दे रखे हैं और टेंट के लिए अलग दिया हुआ है ठीक है तो कर्टेन्स में हमें कितने मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है 125 मीटर की ठीक है और टेंट के लिए कितने मीटर की जरूरत है 286 मीटर क्लॉथ की ठीक है तो दोनों को मिला के वो कह रहा है कितने मीटर क्लॉथ की हमें आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे इसके लिए दोनों को प्लस कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वी रिक्वायर द क्लॉथ 16 क्वेश्चन है ओके वी नीड थ्री कर्टन्स वी नीड ऑफ क्लॉथ कितने मीटर की जरूरत पड़ेगी 125
मीटर, यूनिट क्या गई मीटर, एंड फॉर टेंथ, टेंथ के लिए 286 मीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ, रिक्वायर्ड क्लॉथ के लिए क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे 125 मीटर क्लॉथ प्लस 286 मीटर क्लॉथ। ओके, देन वी एड 5 + 6 = 11, कैरी ऑफ 1, ओके 8 + 2 = 10 + 1 = 11, कैरी ऑफ 1, ओके 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 411 मीटर की हमें क्लॉथ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग आप देखिए कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, कितने क्लॉथ की रिक्वायर्ड होगी कर्टेन्स और टेंट को सिलने के लिए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, 3 कर्टेन्स वी नीड ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तीनों कर्टेन्स को सिलने के लिए हम कितने क्लॉथ को यूज में ले रहे हैं, 125 मीटर, ओके, और टेंट के लिए 286 मीटर। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड क्लॉथ के लिए प्लस कराएंगे, तो 5 + 6 = 11, कैरी ऑफ 1, 2 + 1 = 3, 8 + 3 = 11, कैरी ऑफ 1, 9 + 2 = 11, सॉरी 2 + 1 = 3 + 1 = 4, तो 411 मीटर ऑफ क्लॉथ की हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, तो देखिए आपका चैप्टर 2 यहीं पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, 16 तक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आपको फिनिश करवा दिया। ओके, तो ये आपको चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करना है, इसकी आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। ओके, और आपको अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना।